गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में भाग लिया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस हम एक दूसरे से जो सीखेंगे वो मानवता की भलाई में काम आएगा। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचितों को भरोसा है कि हमारा तीसरा कार्यकाल उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का फोर्थ एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले तीन दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं, उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो दिन यानी कि मंगलवार तक अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया है कि वो जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं। मंगलवार यानी कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और इसके बाद जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तब हमारे उन्होंने जानकारी दी कि तब उनके विधायकों दल की बैठक होगी और उसके बाद नेता चुना जाएगा कि आखिर कौन सीएम की गद्दी पर विराजमान होगा। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ही सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। आज सुबह बाल लंबे हो रहे थे तो बाल कटाने सुबह सुबह में निकला, अब क्या है 10 बजे से पहले मैंने देखा हेयर सलून खुलते नहीं, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया तो उसने बोला कि आने वाले हैं, तो मैं वहां बैठ गया तो वहां पे कई लोग जो है आसपास के जो है बाहर खड़े हुए थे और लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और हर आदमी इस बात को कह रहा था कि साहब चुनाव कब होंगे, चुनाव जल्दी कराओ।
दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया, अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया, ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक और वहां पे व्यक्ति थे, वो ये बात कर रहे थे, मैंने अभी फोन पे उनसे पूछा, तो वे रहते तो हमारे ग्रेटर कैलाश में मगर दुकान उनकी लाजपत नगर में, तो कह रहे थे कि सर लाजपत नगर के भी जो दुकानदारों का ग्रुप है जिसमें अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से खुद रिजाइन करके कह रहा है कि जनता कहेगी मैं ईमानदार हूं तो इस कुर्सी पे बैठूंगा वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। भारत की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बात हो रही है, दिल्ली के हर पार्क में आज मॉर्निंग वॉकर्स यही चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बेल पाने के बाद, जेल से निकल जाने के बाद खुद ये ऐलान कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। देश में बहुत सारे चुनाव लड़े जाते हैं, लड़े गए हैं, जाति के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, भाषा के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। ये पहला देश में चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इस चुनाव को लड़ा जाएगा। वोटे तो एक तरफ आम आदमी पार्टी उस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है तो वहीं आपको बताते चले कि भाजपा की ओर से लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के द्वारा इस पूरे फैसले को स्क्रिप्टेड बताया गया है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा आप सुनिए। 12 सितंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलती हैं, मैं रिजाइन देने को तैयार हूं। 15 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बेल पे बाहर आते हैं बोलते हैं कि मैं रिजाइन देने को तैयार हूं। आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्टेड एक गेम है लोगों को भ्रमित करने का, इमोशन लेने का, विक्टिम कार्ड खेलने। शायद ये समझते हैं कि जनता इसमें आ जाएगी और हम लोग फिर से जनता को भ्रमित करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन रीजन कुछ और है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल को सस्पेंड कर दिया। बेल पे तो जा रहे हैं लेकिन आप ऑफिस नहीं जा सकते मुख्यमंत्री, आप फाइल नहीं साइन कर सकते मुख्यमंत्री, तो फिर किस बात के मुख्यमंत्री? तो बेसिकली इन लोगों को अपना चेहरा बचाना है और इसीलिए ये इस्तीफे की बात, ये तो एक बहाना है। संविधान ने अपनी ताकत दिखाई है, संविधान कानून इनके हाथ लंबे होते हैं। आज एक बार फिर पता चला है कि आप मुख्यमंत्री पद पे या किसी पद पे हो, आप अगर अपराधियों को संरक्षण देंगे, आप स्वयं अपराध करेंगे, चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो आप बचने वाले नहीं हैं। इस देश में कानून का राज है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी हुई कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गलियों में जाएंगे, तो जब दिल्ली की गलियों में जाएंगे तो दिल्ली के लोग कुछ सवाल जरूर करेंगे जिनका अरविंद केजरीवाल के द्वारा जवाब देना होगा। लोग पूछेंगे कि दिल्ली की सड़कें गलियां ये क्यों टूटी हुई, कौन है जिम्मेदार, इन गड्ढों का जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी आएगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान खोलने की जिद किसने किया और क्यों किया। सवाल यह भी आएगा कि दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं। सवाल यह भी आएगा
कि टैंकर माफिया दिल्ली में जो फल फूल रहे हैं उनके पीछे उनका संरक्षक कौन है। 12 सितंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर वीरेंद्र सचदेवा का क्या कुछ कहना है, जो कि दिल्ली से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 8 लाख के पर्दे और 2 करोड़ के बिस्तर पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल, उस शीश महल को लोग कैसे भूलेंगे जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था, हजारों पेड़ रातों रात कटवा दिए थे। दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 4-4 लाख का कमोड कैसे होता है। मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है, लेकिन वो शीश महल दिखाने की हिम्मत है? जरा खोल के दरवाजे दिखाइए लोगों को, बुलाइए मीडिया हाउसेस को कि मैं कौन से घर में रहता हूं। है गैरत आप में? है हिम्मत आप में? आप जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने आपको भेजा क्योंकि आपने घोटाला किया था, आपने चोरी की थी। दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा है मुंडका से नांगलोई तक का सफर जो आधे घंटे का 3 घंटे में पूरा होता है। सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और ये दिल्ली के हर हालत में, हर कोने की यही हालत है। आप दिल्ली के अकेले मुख्यमंत्री हैं, अकेले देश भर में ऐसे, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने घर में बुलाकर महिला सांसद के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, ऐसे मुख्यमंत्री हैं आप जनता के बीच जाएंगे। अगर इतनी सी भी गैरत होती ना तो आपको अब तक डूब के मर जाना चाहिए था। महिला को पिटवाते अपने घर में बुला के, ईमानदारी की बात करते हैं। ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। तो इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें अनुज गुप्ता जो कि भाजपा से नेता हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। जी अनुज जी, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से ये जो फैसला लिया गया है उसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो वहीं भाजपा इसे सोची समझी साजिश बता रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐतिहासिक किस लिए है ये समझ में? ऐतिहासिक ये तो हो सकता है कि इस तरह के मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी जिन शर्तों के साथ जमानत पर बाहर आए हैं, तो मुख्यमंत्री का दायित्व वैसे भी नहीं निभा पाते, तो उन्होंने बहुत सोची समझी रणनीति के साथ ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री का पद उन्हें उसी समय छोड़ देना चाहिए था अगर वो सही मायने में जनता के सामने एक मिसाल पेश करना चाह रहे थे। जब उनके आरोप तय हुए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय क्यों नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री पद? आज इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आगामी कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने हैं। उन्होंने सोचा है कि कुछ दिन की बात है, सीएम पद छोड़ दें ताकि जनता की संवेदनाएं, जनता की सहानुभूति उनकी तरफ चली जाए। लेकिन मैं ये जो समझता हूं कि जनता बखूबी जानती है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी करनी में कितना अंतर है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता केजरीवाल जी को जवाब भी बखूबी देगी। अनुज, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले से ही जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इसी पर जो है आम आदमी पार्टी की ओर से नेता सौरभ भारद्वाज का यही कहना है कि यदि वो पहले दे देते इस्तीफा तो माना जाता कि भाजपा के दबाव में आकर दे दिया है, और इसीलिए उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद जब उनको बेल मिल गई उसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। देखिए, किसी के दबाव में कोई इस्तीफा नहीं देता। देखिए, सब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के लोभी हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले एक बार जब इन्होंने गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, आपको याद होगा, तो इन्होंने गठबंधन तोड़ा था और उससे पहले कहा था कि मैं किसी भी तरह किसी भी हाल में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। और जब सीएम बनने की बारी आई, जब उन्हें लगा कि कांग्रेस की गठबंधन के साथ सीएम बना जा सकता है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो देखिए, ये चीजें स्पष्ट हैं कि केजरीवाल जी जो है सत्ता लोभी हैं,
और देखिए अन्ना हजारे जी के का हाथ पकड़कर वो राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने कई साथियों को छोड़ा, जैसे आप कुमार विश्वास जी हो गए और बहुत सारे योगेंद्र यादव जी हो गए, बहुत सारे ऐसे उनके साथ जो उस मुहिम में उनके साथ थे, उस प्रदर्शन में उनके साथ थे, उनका साथ उन्होंने छोड़ते उन्हें जरा भी भय नहीं लगा। तो इससे साफ जाहिर है कि जो केजरीवाल जी हैं वो सत्तालोभी हैं और चाहते हैं कि वो सीएम पद पर बने रहे, और ये उनकी सोची समझी रणनीति है। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि सोची समझी रणनीति है, आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, तो इसीलिए उनका ये फैसला है कि शायद इस ऐसा करके जनता की नजरों में अपनी छवि को सुधार लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जनता जरा भी इन चीजों से बहकने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा सबके सामने आ चुका है। लेकिन अनुज जी, देखा जाए तो जिस तरीके का गजब का कॉन्फिडेंस इस टाइम सीएम अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि जो विधानसभा के चुनाव फरवरी में हो रहे हैं वो नवंबर में ही करवा लिए जाएं, ताकि जनता जो है उन्हें पुनः चुने और वो दोबारा से सीएम बने। तो ये जो गजब का कॉन्फिडेंस है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कॉन्फिडेंस उन्हें लोकसभा चुनाव के समय भी था, आपको याद होगा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, और जब उन्होंने सरकार कोर्ट से उन्होंने उन्हें मंजूरी मिली थी कि वो जाकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं, तो उस समय भी उनका कॉन्फिडेंस इसी तरह से था। लेकिन कॉन्फिडेंस का क्या करेंगे जब आप दोषी हैं, जब आपकी सब चीजें सामने आ चुकी हैं, जब आपकी शराब नीति घोटाला जो आपने किया है वो सबके सामने है और बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से आपने सरकार के राजस्व का इतना बड़ा नुकसान किया है, कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। तो जनता समझ गई है, जनता ने लोकसभा चुनाव में भी उनको बखूबी जवाब दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जवाब देगी, और ये समय इसलिए चाहते हैं कि चुनाव पहले हो जाएं, ताकि जो इनकी जो मानसिकता, इनके प्रति जो लोगों का जो और सबूत है वो इनके सामने ना जाए। ये चाहते हैं केजरीवाल जी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, ताकि इनकी सहानुभूति जो ये सीएम पद को इस्तीफा देने से कर रहे हैं वो इनके फायदे में पहुंच जाए, और ऐसा कुछ होता मुझे दिख नहीं रहा। बिल्कुल अनुज जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि जैसे कि विधानसभा में बीजेपी के पास दिल्ली में सिर्फ जो है 8 सीटें हैं, और यदि नवंबर में ही चुनाव होता है तो वो 8 सीटों पर भी बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी से सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी का मुझे नहीं लगता कि मानसिक संतुलन समय सही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यही कहा था कि दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जनता से जो वादे आपने किए हैं, जिन वादों के साथ आप सरकार में आए कि आप वो निभा पा रहे हैं, अगर निभा पा रहे हैं तो सामने आएगा, नहीं निभा पा रहे हैं तो भी सामने आएगा। जनता समझ गई है जिस तरह का चरित्र इस समय केजरीवाल जी का सामने आया है, जो ये कहते थे ईमानदारी के नाते वो आएंगे सरकार में और ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, तो किस तरह की ईमानदारी का प्रदर्शन किया ये जनता ने देख लिया है, और इसका बखूबी जवाब देगी विधानसभा चुनाव में भी। लोकसभा में तो दे ही दिया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान केजरीवाल जी उठाएंगे इसका। ठीक है अनुज जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया है, और साथ ही भारत के संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था का भी मजाक उड़ाने का काम किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया, और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अंबेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया, और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी है नीतियां, राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था, और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री के को पत्र लिखकर इसका विरोध जताने का
निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज में यही करते रहीं। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पीकर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।